तभी तो पता चले कुछ। चलो कौन सा क्वेश्चन इसमें बताने, बताओ बताओ। एक बार वनिदास। मैं खुद से ट्राई करूँ, एक बार हम नहीं बता रहे अभी, एक बार खुद से ट्राई करना एक बार, और फिर नहीं होगा फिर बताएंगे हम। एक बार क्वेश्चन अभी पढ़ती होगी करें? फिर छोड़ देती होगी। नहीं अभी नहीं, अच्छा ठीक है। नहीं हम उसको पढ़े भी नहीं थे, बोला आज 3 वादा। वाह अब बोल दी नहीं बना हमसे। चलो पहले फ्रैक्शन वाले पे मूव करते हैं। नहीं हम बोले थे हम नहीं बनाए। अच्छा चलो फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन में क्या दिक्कत है। अब ट्वाइस और थ्राइस में कंफ्यूज नहीं ना होती है कि इसका दुगना है तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, क्योंकि तो वो चीज नहीं आगे हमेशा मिलते रहेगा, यानी कि उसमें भी कंफ्यूज होके बैठ जाना। अब जैसे देखो इसमें फ्रैक्शन वाले में मेनली तुमको आइडिया क्या रखना होगा, फ्रैक्शन बोल रहे तो समझ में आ रहा होगा उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, तो इसमें फिर जैसे नंबर वाले में डिजिट में यूनिट को एक्स टेंथ को वाई ऐसा एज्यूम कर दी थी ना, सेम काम यहीं पे करना है। इसमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को एक्स एज्यूम कर लेना कुछ, एंड डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को क्या एक्स एंड डिनोमिनेटर को वाई, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा बताओ। x/y एक्स वाई वाई ये क्या होता है, आप ही ना बोला फ्रैक्शन क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। तो न्यूमरेटर को x लिया, हाँ डिनोमिनेटर को y लिया, तो x/y एक्स वाई वाई ई क्या होता है। x/y हाँ तो हम भी तो लिख रहे हैं एक्स वाई वाई। वाई सर BY वाला वाई डिवाइडेड बाई। ठीक अच्छा है डिवाइडेड वाई वाला वाई, ठीक है ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए थोड़ा। एक्स डिवाइडेड वाई वाई, हाँ ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अब देखो बस वही काम रहता है इसमें, जैसे जो करते आए सारे क्वेश्चन में वो काम यहाँ करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, तो ये तुमको इनिशियली ये एज्यूम करना है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एक्स होगा डिनोमिनेटर वाई होगा, ठीक है इनिशियल में जैसे सब में करते आती थी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला, फ्रैक्शन बिकम 4/5। ये कब बन रहा है 4/5, जब हम वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कुछ समझ में आया। जैसे ओरिजिनल फ्रैक्शन तुम्हारा क्या बनता, एक्स वाई वाई होता होता ठीक है, लेकिन हाँ अब बोला जब हम न्यूमरेटर में वन ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर में भी ऐड वन कर दें, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है हमारा 4/5, समझ में आया। तो ये इक्वेशन वन। फिर बोला इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे एंड डिनोमिनेटर में से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 1/2। इन दो इक्वेशन को फिर सॉल्व कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। हाँ पहले तो तुमको सिंपल लाना ही होगा ना। सिंपल कहने का मतलब तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सिंपलीफाई कर लेना, क्या दिक्कत है, नहीं बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो, बनाओ उसको। 22 अ और क्या, फ्रैक्शन इज दैट इन फ्रैक्शन। इक्वेशन बताओ क्या आएगा। एंड रिड्यूस, पहला वाला इक्वेशन, अब न्यूमरेटर को एक्स लेंगे तो x/3/y-3 इज इक्वल्स टू 18/11, ठीक है आगे। बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड फिर न्यूमरेटर एक्स है तो x+8 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड टू बाई क्या है, वाई 2y = 5/2, ठीक है बन जाएगा ये भी। बाई अब नो ये सब टू बाई क्वेश्चन बन, फाइव सॉरी। हाँ जो भी है, तो अब ऐसे ही ये सारा क्वेश्चन बना लेना, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना बनाते चलना। इसमें द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन 2x द न्यूमरेटर, 23rd बताओ, 23rd बताओ, 23rd देख दे बता पाती है नहीं। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन है क्या है ये, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more than 2x द न्यूमरेटर। बाप पहले एक लाइन पढ़ो ना, पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ रही है। ही लाइन था हाँ तो क्या आया, क्या समझ में आया, क्या बोल रहा है।
डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज फोर मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, चार हाँ ज्यादा है न्यूमरेटर के दो गुना से, ही ना? तो डिनोमिनेटर हमारा वाई था ना, तो वाई इक्वल टू क्या हाँ हो जाएगा, 2x+4, समझी? आया समझ में? ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में कहीं भी कि न्यूमरेटर में हम ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बस तुमको डिनोमिनेटर के बारे में बताया है, ठीक है? तो 21, 22 और 23 ठीक। में डिफरेंस पता चला तीनों क्वेश्चन में? पहला दो में कहाँ कुछ था हाँ, पहला दो में डिफरेंस? नहीं था, तीसरा में समझ में आया ना? पहला दो हाँ में क्या बोला, जो फ्रैक्शन में हम चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर के बारे में कुछ कंडीशन दिया है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के बारे में, ठीक है? तो 23rd, क्या दिक्कत है यार, 23rd हो जाएगा, 24th पढ़ो। The numerator of fraction is 4 less than the denominator. Numerator x. हाँ, x तो y इक्वल्स टू माइनस फोर, y माइनस फोर, ठीक है, y आगे बताओ। माइनस फोर बढ़िया, अच्छा सही दूसरा? था। हाँ, और क्या, न्यूमरेटर बोल रहा है डिनोमिनेटर से चार कम है, तो y माइनस फोर, आगे बोलो। If the numerator is decreased by 2 हाँ and denominator is कहाँ increased by 1, हाँ then the denominator is 8 times the numerator. हो जाएगा। तो रुकिए रुकिए सुनिए, पहले numerator मतलब क्या है, x minus 2 एंड डिनोमिनेटर वाई प्लस वन हाँ, इज इक्वल्स टू नहीं फंस गई ना यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है क्या, जो फ्रैक्शन हमें इतना मिल रहा है 2/5, कहीं लिखा है क्या? क्वेश्चन नहीं समझे फिर। देखो, इन दोनों में क्या था, 22 और 23 में हमको फाइनल रिजल्ट फ्रैक्शन मिल रहा था ना, दिख रहा है कि फ्रैक्शन चेंज हो जा रहा है, बट क्या यहाँ पे फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे बस बोला डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, तो जब हम डिनोमिनेटर को 2 से डिक्रीज कर दें तो x माइनस 2 हो जाएगा, एंड एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1 तो बाई प्लस 1, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स द x माइनस 2। मतलब अच्छा वाई प्लस वन डिनोमिनेटर में ही होगा वो। बाई प्लस 1 डिनोमिनेटर को जब हम 1 से बढ़ा दे रहे हैं ना, तो वो हाँ न्यूमरेटर से 8 टाइम्स हो जा रहा है, तो उसका इक्वेशन लिख देना था बस। देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें तुमने डायरेक्टली लिखा था x माइनस 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 5 इक्वल टू 1/2, ठीक है? क्योंकि तो इसने फ्रैक्शन में चेंजेस बताया कि जो पहला जो फ्रैक्शन था हमारा एक्स वाई वाई था, बट अब फ्रैक्शन में हम जब उसमें 5 माइनस कर रहे तो फ्रैक्शन चेंज होके 1/2 हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? क्या इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में कुछ चेंजेस बताया है 24 में कि फ्रैक्शन चेंज हो रहा है ऐसा करके? वहां नहीं, पे हमेशा वो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताया गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लिखना था, ठीक है? उसी तरीके से अच्छा 25। तो हाँ बोलो। ये बोल रहे कि अच्छा मतलब सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब एक्स ये बा तो एक्स लिखा मैंने, माइनस टू मतलब वैसे बोल रहा है एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय वाई नहीं प्लस वन, डिवाइडेड भाई कहाँ से, तो फिर डिवाइडेड ये भाई नहीं एक्स चाहिए क्या? प्लस टू का क्या फायदा? यहाँ पे तो किया मैंने, पहला इक्वेशन क्या होगा इसका? पहला कौन सा क्वेश्चन था, 24 देख रहे थे, हाँ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 4, और क्या, कौन ये क्या बोल रहे हैं, सा क्वेश्चन था? यही था 24 ही था। तो 24 में क्या लिखा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर मैंने एक्स एज्यूम किया, डिनोमिनेटर वाई एज्यूम किया, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, एक्स वाई वाई बनेगा, हाँ
अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन हमने क्या अज्यूम किया, एक्स को, ठीक है, माइनस फोर इज फोर लेस देन द डिनोमिनेटर, बेवकूफ, फोर लेस देन द डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर से वही फोर वाई कम माइनस है, फोर तो एक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस फोर, और दूसरा ये वाला, और दूसरा ये वाला। अगर क्वेश्चन में तुमको बोलता ना कि हम न्यूमरेटर में चार ऐड किए, डिनोमिनेटर में पांच ऐड किए, तो जो हमारा फ्रैक्शन था 5/2 हो गया, तब इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये नहीं बोला है कि न्यूमरेटर में चार ऐड किए, फ्रैक्शन में चार ऐड किए, तो फ्रैक्शन निकल के आया, कहीं लिखा है कि कुछ नया फ्रैक्शन निकल के आया है, बताओ, बोलो। क्या मतलब? अरे इसमें रिजल्ट किस टर्म में, फ्रैक्शन के टर्म में है ना, फ्रैक्शन के टर्म, बट इसमें क्या कहीं बोला है 24 में कि हम न्यूमरेटर में पांच घटा रहे हैं, अच्छा डिनोमिनेटर में हाँ, छह घटा इसी रहे हैं, तो में कंफ्यूज फ्रैक्शन आ रहा हो है, गए थे नहीं ना बोला है, कहीं इसीलिए। बोला है कि फ्रैक्शन नहीं 5/2 आ रहा है, फ्रैक्शन 10/4 आ रहा है, कहीं बोला है क्या, नहीं नहीं बोला है ना, तो फ्रैक्शन के टर्म में उस इक्वेशन ने ये पूरा का पूरा 24 से जो क्वेश्चन है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को रिलेट किया है कि डिनोमिनेटर 5 गुना ज्यादा है, न्यूमरेटर 6 गुना ज्यादा है, ऐसा करके, तो उसको इक्वेशन के टर्म में लिखते चले जाना, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है 26 नंबर, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर, तो ये नहीं कि एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन कर देना, ये नहीं लिखा है ना कि जो फ्रैक्शन है वो 5/2 हो गया, ये नहीं लिखा है ना, समझ में आ रहा है कुछ, तो इक्वेशन तुमको निकालना होगा फिर बनाना होगा, ठीक है, फ्रैक्शन का बनाओ क्वेश्चन फिर ढूंढ ढूंढ के कहीं से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा, अरे इसको भी पढ़ाना पड़ेगा तुमको, क्या हुआ, कॉस्ट क्या कॉस्ट, कॉस्ट वाला, ये हो जाएगा, अरे मतलब हम पढ़े थे, पर हो सकता है देख लीजिए एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये सब तो बना लेंगे हमको जहां तक लगता है, फोर चेयर्स एंड थ्री चेयर्स का कॉस्ट, मतलब एक क्या चेयर बोलते का, हैं, चेयर का कॉस्ट चेयर नहीं, को एक्स वन ले चेयर, लेंगे, टेबल अरे को वाई चेयर ले को लेंगे। एक्स नहीं ले लेंगे, वन चेयर के कॉस्ट को एक्स हाँ लेंगे, वही, वन चेयर कॉस्ट एक्स, ठीक है, और वन टेबल का वाई, तो कितने चेयर हो गए, फोर चेयर हो एक्स गए, तो प्लस वाई फोर, इज इक्वल्स टू 2100। बेवकूफ, फोर चेयर है, एक चेयर नहीं है, अच्छा सॉरी, फोर एक्स हाँ वही, प्लस थ्री फोर एक्स वाई प्लस इक्वल्स टू थ्री टू वाई हंड्रेड 2100, फिर दूसरा इक्वेशन बन जाएगा ये, तो तुमसे हाँ 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फोर नंबर बताओ, फोर नंबर, ए एंड बी इच हैव ये तो सर्टेन हम नंबर ऑफ करवाए थे उस दिन, लेकिन पता नहीं क्लास तुमको में, समझ हाँ में आया पर नहीं आया, हमको नहीं समझ आया था कुछ। पढ़ो फोर नंबर, ए एंड बी हैव इच सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए सेज टू बी, सर छोड़ दीजिए नहीं समझ आ रहा, बता दीजिए। बता दे, ध्यान दो फिर, जैसे ए के पास चलो कुछ नंबर एज्यूम कर लो, एक्स में एक्स ऑरेंजेस है, ठीक है, वाई के पास, बी के पास वाई ऑरेंजेस है, क्लियर। अच्छा एक अब मिनट रुकिए, हमको पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेने दीजिए था। ठीक है बताइए। समझ में आया, कुछ क्वेश्चन समझ में आया क्या, लेन देन हो ना रहा के बराबर, है, बेवकूफ, मतलब इंग्लिश हाँ क्या वही, ही फिर तेरा मतलब मन है, ए हाँ, बोला अभी को कि तो देखो ए के पास मैंने नंबर ऑफ ऑरेंजेस एक्स एज्यूम किया, बी के पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस वाई एज्यूम किया, ठीक है। अब ए बोल रहा है कि इफ यू गिव मी 10 ऑफ ऑरेंजेस, तो ए के पास अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना हो गया बताओ, इनिशियल नंबर ऑफ ऑरेंजेस ए के एक्स पास प्लस एक्स था टेन और वाई के पास 10 था, बी के पास वाई था, अब क्वेश्चन में बोला ए बी को बोला इफ यू गिव मी 10 ऑरेंजेस, तो अब एक्स के पास कितना ऑरेंज होगा, एक्स प्लस, एक्स प्लस टेन लेकिन ये 10 ऑरेंज किससे मांग रहा है, उससे वाई से, बी वाई से से, कि बी मतलब से,
बी से, तो बी के पास कितना ऑरेंज बच जाएगा अब, y-10, ठीक है। अब इसी दोनों के बीच में कंडीशन बोला कि जब ये काम हो जा रहा है ना, तो I will have the twice the number of oranges left with you, यानी x plus 10 जो कितने के बराबर हो जाएगा, twice the number of oranges left with B. तो ये तो B reply किया ना, तो फिर A replies किया है बेवकूफ, A says to B, बाद वाले में बाद में आएंगे ना, पहला समझ में आया ये? हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक है। उसी तरीके से दूसरा पे देखो, अब दूसरा बोला if you give me 10, तो अब y के पास कितना ऑरेंज हो जाएगा, y plus 10 हो जाएगा, किससे मांगा, if you give me 10 तो x से मांगा, a से मांगा है, तो a के पास कितना ऑरेंज हो जाएगा, x minus 10, then I will have the same number of the oranges left with you, तो दूसरा इक्वेशन ये पल्ले पड़ा कुछ, तो इसका इक्वेशन बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का, ए के पास एक्स है, बी के पास वाई है, बताओ। ए एंड बी हैव सर्टेन मैंगोस, ए सेड टू बी, इफ यू गिव आई हैव टॉयज, क्या है ये, इफ यू गिव मी टॉयज मेनी एज 2x, 2x वही मतलब, नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन, पढ़ो ना ध्यान से, पहले तो इफ यू गिव मी 30 oranges वहां तक तो इक्वेशन बताओ क्या होगा, फिर पूरा पढ़ने लग जाती है एक बार में। a says to b, a के पास कितना ऑरेंज होगा, x plus 30, b के पास कितना होगा, y minus 30। अब जो काम, जो इक्वेशन बनेगा ना तुम्हारा, इस सिचुएशन पे बनेगा, x plus 30 और y minus 30 पे क्या इक्वेशन बनेगा, तो I will have the twice as many as left with you, तो b के पास कितना ऑरेंज हो चाहिए अभी, y मतलब 2y minus 30 होगा ना, 2 होल y minus 30, हाँ एक इक्वेशन ये, फिर दूसरा बोला if you give me 10 I will have twice as left with you, तो अब y plus 30, if you give me 10 है, sorry, तो y plus 10 is equal to thrice of x minus 10, समझ में आया, ठीक है, तो 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 7 भी बना लेना खुद से, ट्राई करना 7, 8 भी ट्राई करना, 9 का बताओ सीन, 9 सेवन, सिक्स से सेवन और एट तुमको बनाना है, हम नहीं बता रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, नाइन बताओ, लाइब्रेरी हैज सिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट वीडियो एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, सिक्स चार्ज को एक्स ले लेंगे, क्वेश्चन पहले मतलब बताओ, मतलब एक लाइब्रेरी है उसमें एक फिक्स चार्ज है, पहला 3 दिन कहाँ गया फिर, पहला 3 दिन के लिए, और फिर आगे का डेज के हिसाब से मतलब चार्जेस लगेगा, सरिता पेड ₹27 फॉर बुक गिफ्ट फॉर 7 डेज, सरिता ₹27 पे की 7 दिन बुक वहां रखा हुआ था उसके लिए, मतलब समझ में आया ना, जैसे तुम कोई लाइब्रेरी गई, वो बोला कि आप अगर 10 दिन तक बुक रख रहे हो तो इस 10 दिन के लिए ₹50 ही लगेंगे, ठीक है, लेकिन 10 दिन के बाद हर दिन आप बुक रखते जा रहे हो, यानी हर एक एक्स्ट्रा दिन पे ये, ठीक है, ₹10 लेते चलेगा, तो 11वां दिन तुमको कितना पे करना पड़ेगा, ₹60 करना पड़ेगा, 12वां दिन अगर 12वां दिन वापस बुक करेगी तो ₹70 पे करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कुछ, तो हर एक डे का एडिशनल डेज का चार्ज फिक्स है कि एडिशनल डे रखोगे 10 दिन के अलावा, तो हर दिन आपको कितना कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता चल जाएगा, ₹10 तो वही ऐसे ही इसमें भी, तो इसमें भी वही काम करना, जो फिक्स चार्ज है उसको एक्स ले लेना और एडिशनल चार्ज है उसको वाई ले लेना। अब देखो
Sarita paid rupees 27 for a book and kept for 7 days. अच्छा, 3 दिन के लिए फिक्स है ना चार्ज? हाँ. तो इक्वेशन क्या बनेगा? 3x 3x plus 7y. 7y एक्स्ट्रा डेज है क्या? 7y 7 days है ना, मतलब कितना होगा? तो 3x plus 4y equals to 27. और इसके लिए क्या बनेगा? 3x होगा, सोच के बताओ. तो x होगा या सिर्फ 3x होगा? सोच के बताओ. गलत है या सही है? तुम 3x होगा या सिर्फ x होगा बताओ. x होना चाहिए, x होगा ना, क्योंकि 3 दिन का चार्ज फिक्स है. हाँ ठीक है, 3 दिन का चार्ज फिक्स है ना. तो x प्लस 4y एंड यहाँ भी x प्लस 2y. समझ में आया कुछ? तो ऐसे बना लेना ये सब क्वेश्चन. तुम्हारा इस पे बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में होगा, डिस्टेंस वाले पे, कि 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो कुछ पैसा फिक्स है, लेकिन उसके बाद हमारा जो पैसा है बढ़ते जाएगा. तो इसे बना देना, ठीक है? तो तीन पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया. बर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट करा दिए. एक तुम्हारा बेस्ड ऑन एजेस बचेगा, टाइम डिस्टेंस वाला भी कराना पड़ेगा जी. हाँ, क्या होता है? हाँ, हम फिर उतना लेक्चर क्या दिए उतना उस दिन? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में आया? हाँ, वो समझे थे. कौन सा पोर्शन इसमें नहीं समझ में आया? हमको सब में यही होता, सब में डाउट है. तो बैठ के तुमको हर दिन लेक्चर देते रहे हम. चलो कोई बात नहीं, कर लेना क्लासेस. पहले तुम्हारा काम हो गया कहाँ तक क्वेश्चन बनाना. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे हो गए 26. 1 से लेकर के 26 पूरा पढ़ा दिए. इतना करो, फिर अगले क्लास में हम बेस्ड ऑन एजेस बता देंगे. कभी जब भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, 2-3 क्लास लग जाएगा तुमको पढ़ाने में भी, ठीक है? आर्टिकल एंड कॉस्ट बना जाना पूरा. इक्वेशन ही नहीं बनता है मेरे से, तो फिर आगे का क्या ही बना है? तो इक्वेशन नहीं बनता है तो क्या बना है? हम क्या कर सकते हैं इसमें? किसको बोल रही थी? हाँ? क्या? मेरे को ही बोल रही थी क्या? चलो कोई नहीं, ये बना जाना. और तुम ठीक है एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाना, वहां से कुछ कर लेना. नहीं, हम क्या बोले बताइए. कुछ नहीं रहने दो, मुझे लगा कुछ. चलो ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गए थे. अच्छा, 3 सेक्शन हो गया तुम्हारा, बेस्ड ऑन एज, ये बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन एंड बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट. वो सब पूरा कंप्लीट करो, फिर अगले क्लास में हम लोग बेस्ड ऑन एजेस बता देंगे. बेस्ड ऑन एजेस के बाद डिस्टेंस वाला कुछ पोर्शन करेंगे. आप पश्चिम डाउनस्ट्रीम नहीं पढ़ा रहे तुमको, खुद से पढ़ना है. उतना चीज पढ़ाए तो फिर से पढ़ाने के लिए. चलो ठीक है, करके आओ फिर, नया लगेगा लेक्चर. क्या क्या करने? वो फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन कॉस्ट एंड आर्टिकल एंड कॉस्ट और नंबर वाला, जहाँ से भी जो भी बुक से बनाना बनाओ. तो जो आप बता दिए इसको छोड़ के उतना भी बनाओ ना पहले, और जो अलग अलग बुक से और भी मिलता है. एनसीईआरटी तो बना जाओ पूरा पहले. एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन ढूंढो, आर्टिकल कॉस्ट फ्रैक्शन और नंबर्स पे. पता है वो क्या एपी का ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत अजीब है, समझ ही नहीं आता. तुम देख रही होगी पक्का ऑप्शनल एक्सरसाइज और क्या. नहीं ऑप्शनल ही, पहला एक्सरसाइज मतलब वैसे ही जैसे पिछले साल के लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में था ना, कुछ जिसमें सब कंफ्यूज हो जाता था, ऐसे ही कुछ. भेजो क्वेश्चन, भेजेगी तब तो. अच्छा ठीक है, भेज देगी आज, ये तो कल. ठीक है ठीक है, मिलते हैं. इतना कर लो पूरा, जहाँ जो भी बुक से मिले, एनसीईआरटी आरएसएल और पैकेज. फिर 2-3 दिन, 2 दिन बाद ही लगेंगे ना नेक्स्ट क्लास. ठीक है चलो ठीक है.